हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन माय चैनल बैक टू बिजनेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। आज हम इसका पार्ट टू लेकर आए हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर है हमारा मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल। हम इसे मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके तीन डायमेंशन है। पहला वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा है आपका ऑपरेशन। मैनेजमेंट एज अ वर्क, वर्क मतलब काम। हम कोई भी काम मैनेजमेंट में करते हैं, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाना हो या सर्विस हो, वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है उसके बजट के लिए, उसके प्लान्स के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड है मैनेजमेंट एज अ पीपल। पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोग। कोई भी काम लोगों के बिना इनकम्प्लीट है, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, हमें यहाँ पे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट उसमें एनवायरमेंट से आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एज अ ऑपरेशन। मैनेजमेंट एज अ ऑपरेशन इज अ इंटरलिंक बिटवीन मैनेजमेंट एज अ वर्क एंड मैनेजमेंट एज द पीपल। यहाँ पर हमें लोग मिल गए जिनसे हमें काम करवाना है, हमें काम पता है कि क्या काम करवाना है, लेकिन अब हमें काम कैसे करवाना है, कैसे हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये मैनेजमेंट एज अ ऑपरेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब होता है everywhere. The meaning of it is that management prevails everywhere. It includes that in all the levels, in all the organization, whether it's a profit-making organization, whether it's a non-profit-making organization, management वहाँ पर रहता है। अगर हम बात करें top level, middle level और lower level, हर country to country हमें management की जरूरत पड़ती है, तो management prevails everywhere. आप अपनी पढ़ाई में मैनेजमेंट रखते हैं, स्कूल में मैनेज रहता है सारी चीजें। अगर आप बात करें डॉक्टर, तो अपने हॉस्पिटल को मैनेज करता है। तो इट शोज दैट मैनेजमेंट प्रिवेल्स एवरीवेयर। अब हम आते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। हम हमेशा काम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड। सो दैट हमारा जो गोल होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, जिससे हमारा एम्प्लॉयज उस काम को समझ सके और हमारे साथ मिलकर उसको अचीव कर सके। अब हम आते हैं आपका इंटेंजिबल की तरफ। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी जो हमें दिखाई नहीं देती। इट कैनॉट बी सीन बट नोटिसेबल एंड फेल्ट। हम इसे नोटिस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है, उसमें सारे काम कितने सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेट तरीके से होते हैं, बट वहाँ हमें कहीं मैनेजमेंट दिख नहीं रहा होता, बट वहाँ मैनेजमेंट प्रिवेल करता रहता है और हम उसे कहते हैं कि ये कितना वेल मैनेज एक्टिविटी था, वेल मैनेज प्रोग्राम था। अब हम आपसे आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजर को सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं कॉन्स्टेंटली एंड साइमल्टेनियसली। हम बात करते हैं फॉस डीसी की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग। मतलब ये सारी एक्टिविटी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई प्लान किया है और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाए, उसके बाद भी हमारा काम स्टार्ट रहता है कंट्रोलिंग के पास तक। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर कि मैनेजर ने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचा है, तो वो उसके प्लानिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कोशिश करता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो उसके हाथ से ना जाए, तो वो उन चीजों को भी ऑर्गेनाइज करता है। तो मैनेजर एक साथ कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैनेजमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सारे इंडिविजुअल्स मिलके टीम का गोल अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, एज अ टीम कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं। एग्जाम्पल आप रिले रेस का ले लीजिए। रिले रेस में हर इंसान को अपने पार्ट का काम कंप्लीट करके, रनिंग करके उसे अचीव करना पड़ता है 100% तरीके से, तब वो सब मिलके अपना मैच जिता पाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, चेंज फॉर द गुड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तब होती है जब वो चेंजेस को एक्सेप्ट करती है। बेसिकली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, मोबाइल फोन्स की, तो डे बाय डे यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। उन सारे चेंजेस को सारी कंपनीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है अगर वो मार्केट में रहना चाहती हैं तो। इट शोज दैट उनको अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, वो चाहे आपका सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो। गाइस, आज हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने का सबसे इजी तरीका है आपका मैजिक जीडी। एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, ए फॉर ऑल परवेसिव, जी फॉर
goal oriented, I for intangible, C for continuous process, D for group activity and D for dynamic. Magic GD आपको आसानी से help करेगा याद करने के लिए features of management. अब हम आपसे मिलेंगे हमारे next video में जो कि होगा objectives of management. तब तक मेरे video को आप like करिएगा, share करिएगा, subscribe करिएगा. Thank you so much.